हेलो हिप हॉप लिसनर्स, तो कैसे हो आप लोग। तो फर्स्ट अपडेट जो है वो बेला की साइड से है। तो बेला का जो उनकी होम एल्बम में से गाना आने वाला है उससे रिलेटेड वो कुछ स्टोरीज डालते हैं और कुछ ऐसा लिखते हैं। झूठ नहीं बोल रहा, माँ कसम ऐसा गाना नहीं बना पाओगे, जाओ। तो गाने का नेम है स्पेस नाइट, तो वेट करते हैं इसके लिए। तो अब बात कर लेते हैं रफ्तार के बारे में। तो रफ्तार का जो घड़ा कसूटा ट्रैक है वो अभी रेडियो चार्ट्स में सेकंड नंबर पे ट्रेंड कर रहा है पूरे इंडिया में। तो फर्स्ट नंबर पे जो ट्रैक है उसका नाम है जुगनू और सेकंड पे है घड़ा कसूटा। इसके अलावा इंडियन हिप हॉप नाम का एक इंस्टाग्राम पेज है जहाँ से एक क्लिप देखने को मिली है और उसमें रफ्तार जो है वो उनके फर्स्ट शो के एक्सपीरियंस के बारे में बताते हैं। वो करने के बाद मैंने सबसे पहली बार डीजे परफॉर्म किया हंसराज कॉलेज में, और वहां परफॉर्म जब किया तब रफ्तार वाज सो न्यू कि मेरा गाना सिर्फ कोलैबोरेशन में आया था, सोलो गाना भी नहीं आया था, कुछ भी नहीं ऐसा किया था। एज अ परफॉर्मर मैं गया और मैंने बस अपनी तरफ से परफॉर्म किया। मुझे याद है कि जब मैं स्टेज पर चढ़ रहा था, बाउंसर आगे निकल गए थे, लोग बीच में आ गए थे, मैं लोगों के बीच में से उनको हटा के जा रहा था कि यार मेरे को स्टेज पर जाना है, ट्रू स्टोरी। पर जब मैं उतर रहा था ना, जब मैं उतर रहा था तो सबसे ज्यादा बाउंसर मेरे आसपास लगे हुए थे कि उनको ऐसा हो गया था कि ये कौन है। मोमेंट ऑफ विक्ट्री फॉर मी, मैं भाइयों ने अपना लिया, मतलब अपना काम सेट। तो अब बात कर लेते हैं जेएसएल पाजी और इक्का के बारे में। तो जेएसएल पाजी को आप लोग जानते ही होंगे, काफी टाइम पहले इक्का और जेएसएल पाजी साथ में काम करते थे और कुछ टाइम पहले तक काफी पंजाबी कमर्शियल्स इन लोगों ने करे साथ में। तो अभी जेएसएल पाजी ने अपने यूट्यूब चैनल से इक्का का एक काफी पुराना ट्रैक ड्रॉप करा है और गाने का नेम है मैं हूँ इक्का। तो ये रीमास्टर्ड वर्जन है, तो लिंक आप लोग को इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग जाके चेक कर सकते हो। तो अब बात कर लेते हैं नैस के बारे में। तो नैस का जो 26 को ट्रैक आने वाला है जिसका नेम है बकासुर, उसका पोस्टर आउट हो चुका है। तो अब बात कर लेते हैं मॉब डी के बारे में। तो मॉब डी की जो ईपी आने वाली है उसके सारे ट्रैक्स रेडी हो चुके हैं और मॉब डी जो है वो एक स्क्रीनशॉट डालते हैं रेडी टू रोल। तो अब बात कर लेते हैं डीनो जेम्स के बारे में। तो डीनो जेम्स का भी जो ट्रैक आने वाला था जिसका नेम था बिन बुलाए, उसका भी ऑडियो आउट हो चुका है स्पॉटिफाई पे। तो काफी जल्दी इसका म्यूजिक वीडियो भी देखने को मिल जाएगा, पर फिलहाल आप लोग ऑडियो सुन सकते हो। तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो किंग की साइड से है। तो किंग जो है वो अपनी गोरिल्ला बाउंस एल्बम के बारे में बात करते हैं और ये बताते हैं कि 11 में से उनके 9 ट्रैक्स जो है वो अभी मिलियन क्लब में एंटर कर चुके हैं। इसके अलावा उनकी जो पूरी गोरिल्ला बाउंस एल्बम है वो ऑलमोस्ट 17 मिलियन स्ट्रीम्स क्रॉस कर चुकी है। तो अब बात कर लेते हैं लोका के बारे में। तो लोका ने अपनी ईपी की ट्रैक लिस्ट रिलीज कर दिया और इस ईपी में होने वाले 4 गाने। तो पहले गाने का नेम है चुपचाप, दूसरा है पहली बार, तीसरा है एनर्जी और फोर्थ है बुढ़ा भक्त। तो इस ईपी का नेम होने वाला है थर्ड वेव। एनीवेज नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। तो ये जो अपडेट है वो हेलक की साइड से है। तो हेलक ने अपने एक ट्रैक का रिमाइंडर लगा दिया जो कि 12 बजे ड्रॉप होने वाला है। तो गाने का नेम है रनिंग ले और इसकी बीट प्रोड्यूस करी है टंडन बीट्स ने। तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो बोहेमिया पाजी की साइड से है। तो बोहेमिया पाजी जो है वो अपनी एल्बम के ऊपर अभी वर्क कर रहे हैं और उस एल्बम में जो म्यूजिक होने वाला है वो होगा दीप जंदू का। तो काफी स्टोरीज देखने को मिली है बोहेमिया पाजी और जय हिंद की तरफ से, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो अब बात कर लेते हैं कुछ बाहर के रैपर्स के बारे में। तो ग्रैमी अवार्ड्स के लिए जो बेस्ट रैप एल्बम के नॉमिनीज है उनमें है 5 एल्बम्स, और पहली है द ऑफ सीजन बाय जे कोल, दूसरी है सर्टिफाइड लवर बॉय, तीसरी है किंग्स डिजीज 2, चौथी है कॉल मी इफ यू गेट लॉस्ट जो कि टाइलर और क्रिएटर की है, और फिफ्थ जो है वो है डोंडा। तो क्या लगता है आप लोगों को कौन सी एल्बम इसमें से जीतने वाली है। मेरी जो पर्सनल फेवरेट है वो है द ऑफ सीजन बाय जे कोल, तो आप लोग बता सकते हो अपनी। तो इसी के साथ मिलता हूँ आप लोगों से अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।